गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स किए थे, आज हम उससे आगे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सन जो है वो टाइम से पहले राइज कर जाता है और टाइम होने के बाद में डिले करता है, ठीक है ना। मतलब जो टाइम है उसका डिले होने का, उसके बाद में 2 मिनट बाद में मतलब सनसेट करता है, ठीक है ना। और राइज कब कर जाता है, 2 मिनट पहले। मतलब सन क्या है, पंक्चुअल है अपने काम का, राइज करेगा 2 मिनट पहले, काम पे 2 मिनट पहले आ जाता है और काम पूरा जो टाइम होता है उसके बाद में 2 मिनट बाद में जाता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा क्यों होता है, सनराइज जो एडवांस क्यों होता है और डिले सनसेट क्यों होता है। देखो मान लो जैसे ये हमारी अर्थ है बेटा, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया एटमॉस्फेयर मान लो अर्थ का, ठीक है। अब यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, सन है, ये होरिजन हो गया, इससे ऊपर आएगा तभी राइज करेगा वो, ठीक है। ये होराइजन हो गया इसका, तो इससे ऊपर आएगा तभी जाके हम क्या मानेंगे कि भी सन क्या, सन क्या कर गया हमारा, राइज कर गया, ठीक है। तो अभी वो इससे नीचे है मतलब राइज नहीं किया है, ठीक है। तो अब जैसे ही इससे लाइट आएगी तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके अलग अलग लेयर हैं जैसे ये, तो उनसे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, तो उनसे क्या होगा, इसका लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो हमें वो दिखाई दे जाएगा। जैसे ये आ रहा है यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमें वो कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा भाई, और वो एक्चुअली है कहाँ, यहाँ है। तो रिफ्रैक्शन के कारण, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो वो है यहाँ पे, मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है ना। तो सन S1 मान लो इसको, और इसको क्या मान लो, S2 मान लो। चलो लिखो इसका कारण क्या है। एडवांस सनराइज इज ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है। When sun is just below the horizon, the light rays from sun comes to us with the रिफ्रैक्शन थ्रू दी एटमोस्फियर ड्यू टू विच इट सीम्स एट पोजिशन S2 instead of S1, ठीक है ना। This is the advanced sunrise. ठीक है बेटा। तो सनराइज जो एडवांस कैसे होता है, देखो जब सन होराइजन से नीचे होता है तो कुछ सनरे जो है बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है, तो सनरे है वो जाएगी अर्थ एटमोस्फेयर में, तो अर्थ एटमोस्फेयर में मान लो हम यहाँ पे
खड़े हैं, ठीक है ना। तो जाएगी तो वो डिफरेंट एटमोस्फेरिक लेयर से होती हुई रिफ्रैक्शन होगा उसका, और वो हमें यहाँ जैसे दिखाई देगी तो हमें लगेगा कि वो यहाँ से नहीं, कहाँ से आ रही है, यहाँ से S2 की तरफ से आ रही है। तो मतलब सन क्या हो गया, राइज कर गया। वैसे एक्चुअली सन अभी तक राइज किया नहीं है, होराइजन से नीचे ही है, लेकिन हमें क्या लगेगा सन क्या कर गया, राइज कर गया, ठीक है। दिस एडवांस सन राइज इज 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो बेटा जो ये एडवांस सनराइज है वो क्या है, 2 मिनट पहले हो जाता है, ठीक है। तो सनराइज जो है 2 मिनट पहले हो जाता है, जो होना चाहिए ना एक्चुअल जो सनराइज होना चाहिए उससे क्या है 2 मिनट पहले हो जाता है, ठीक है। तो ये था एडवांस सनराइज। अब डिले सनसेट देखो, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर है भाई, ठीक है। अब ये होराइजन हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो जैसे होराइजन के ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है। अब सनसेट होगा तो होराइजन से नीचे चला जाएगा सन, सनसेट होगा तो सन क्या होगा, होराइजन से नीचे चला जाएगा। सनराइज में होराइजन से ऊपर होता है, सनसेट में होराइजन से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इससे जब कोई रे जाएगी, सन रे, लाइट की रे जो है जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद क्या होगा, उसका वही रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें वो यहाँ से अगर देखेंगे तो वो यहाँ नज़र आएगा। एक्चुअल में उसका क्या हो चुका है, सनसेट हो चुका है, एक्चुअल में तो सनसेट हो चुका है, नीचे जा चुका है वो, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें वो यहाँ सनसेट होने की वजह से, जैसे पेंसिल टेडी दिखाई देती है ना पानी में रिफ्रैक्शन के कारण, वैसे ही एटमॉस्फेरिक, इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है और पेंसिल जो पानी में है वो क्या है, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंपल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सनसेट हो चुका है, लेकिन सन फिर भी हमें ऊपर दिखाई देता है होराइजन से, तो इसको क्या कहते हैं, डिले सनसेट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन सनसेट अकर्स, लिख लो, द सन इज बिलो द होराइजन लेवल बट ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन सीम्स टू बी जस्ट अबव द होराइजन, ठीक है। This is called delay of sunset. It is 2 minute gap between this and एक्चुअल सनसेट, ठीक है।
तो इसमें और एक्चुअल सनसेट में हमारा कितने मिनट का गैप होता है? 2 मिनट का गैप होता है बेटा। तो होता तो वो एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जस्ट अब वो दिखाई देता है ओरिजिन से, तो हमें लगता है कि अभी तक सनसेट हुआ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कंडीशन क्या है बेटा? ये इसमें कंडीशन ये है कि जिस चीज़ से लाइट टकरा के स्कैटर हो रही है उसका साइज लगभग जो लाइट की वेवलेंथ के बराबर का होना चाहिए। ठीक है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय, या आफ्टर लिख लो, After striking any obstacle which has size comparable to the size of the wavelength of the light। ठीक है, तो जब लाइट, मान लो लाइट रेज आ रही है और अपनी वेवलेंथ के साइज के बराबर के किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो वो बाउंस बैक कर जाएगी, अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी ना। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। टकराएगी तो वो क्या कर लेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि भाई जो साइज है ऑब्स्टेकल का वो कितना होना चाहिए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट होनी चाहिए। द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड स्कैटरर। जो ऑब्स्टेकल है इसमें, उस ऑब्स्टेकल को हम क्या कहेंगे, स्कैटरर कहेंगे, स्कैटरर। ठीक है, द ऑब्स्टेकल हेयर इज कॉल्ड स्कैटरर। तो जो ऑब्स्टेकल है उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरर कहेंगे भाई। ठीक है, चलो इसकी एक कंडीशन है बेटा, रेले कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रेले, RAYLEIGH स्पेलिंग है इसकी, अकॉर्डिंग टू रेले दी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल टू 4th power of the wavelength of light. ठीक है बेटा, जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी मतलब चमक. तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी चमक क्या होगी, डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे. तो 4th power ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ छोटी उसकी स्कैटरिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है ना, तो 4th power ऑफ वेवलेंथ के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, तो ये था बेटा स्कैटरिंग. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट है बेटा. ठीक है ना, तो नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट, डबल एल है इसमें, टिंडल इफेक्ट. देखो क्या होता है, अब मान लो बेटा जैसे हमारे पास ये पानी का बिकर है. ठीक है, और इसमें हमने कुछ मिट्टी डाल दी, मतलब पानी को क्या कर दिया, हल्का सा गंदला कर दिया. ठीक है, अब जैसे ही एक टॉर्च से इसमें आप लाइट मारोगे तो इस टॉर्च की लाइट जब पास करेगी इसके अंदर से, इस टॉर्च से जब लाइट इसके अंदर से पास करेगी तो उस लाइट का पाथ नज़र आएगा हमें, वो लाइट बाहर जाती नज़र आएगी हमें, इस लाइट का हमें पाथ नज़र आएगा. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ठीक है ना, ठीक है, फिगर अच्छे से बना लो इसके लिए. तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं बेटा. या दूसरा एग्जांपल देख लो, अब मान लो जैसे हमारे रूम में धूल हो जाए और एक हल्की सी सनरे आए कहीं से, किसी स्मॉल ऑरिफाइस से सनरे आए, तो वो जो उस धूल से नज़र आएगी तो धूल कण हुए हमें चलते हुए नज़र आएंगे. ठीक है ना, सारे के सारे धूल कण इधर उधर रैंडमली घूमते हुए नज़र आएंगे हमें, उस संदरे का पूरा पाथ नज़र आएगा हमें, मतलब वो वहाँ से आ रही है और ऐसे ज़मीन पे गिर रही है या किसी चीज़ पे गिर रही है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं बेटा. ठीक है, तो मान लो जैसे ये सोर्स है, यहाँ पे हमने मान लो ये कन्वेक्स लेंस डाल दिया, तो कन्वेक्स लेंस सोर्स जो है कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे है, तो कन्वेक्स लेंस से जाने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी भाई. कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना. ठीक है, अब यहां पे रख दो बिकर, ठीक है, और इस बिकर के अंदर क्या है, हल्की सी मिट्टी है, तो हमें ये जो लाइट है इसका पाथ नज़र आएगा, जाता हुआ दिखाई देगा. इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो यह है क्या, इट डील्स विद द कोलोइडल पार्टिकल्स. कोलोइडल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है बेटा जो मतलब घुलते नहीं पानी के अंदर, पानी में
रहते हैं, मतलब ऐसे ही पूरी तरह घुलते नहीं। जैसे गंदला पानी हो तो गंदला पानी में जो मिट्टी के जो हैं पार्टिकल वो घुलते नहीं पानी के अंदर, चीनी जैसे घुल जाती है लेकिन वो घुलते नहीं ना, वो पानी के अंदर ऐसे ही रहते हैं जमा। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स कहेंगे। तो इट डील्स विद द कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन लाइट एंटर्स द लिक्विड या वाटर लगा लो, वाटर इन विच देयर इज लॉट्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स द लाइट गेट scattered after striking them due to which we can see the path of light This effect is called Tyndall effect. Example भाई, for example, we can see the path of light in a dusty dark room when light enters through the small orifice. एक हल्के से छोटे से छेद के अंदर से जब लाइट डार्क रूम में एंटर करेगी जिसमें पहले हल्की सी डस्ट है, तो हमें जो लाइट का क्या है पूरा का पूरा पाथ दिखाई देगा। ठीक है, और है भाई व्हेन इन ए डार्क फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, इन ए डेंस फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, व्हेन इन ए डेंस फॉरेस्ट light enters through the trees we can see the path of light through the water droplets and dust. ठीक है, जंगल के अंदर क्या होता है, हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, फोग सा होता है कुछ। ठीक है, जैसे सिंपल फोग सा, तो जब लाइट एंटर करती है पेड़ों के अंदर से तो उस फोग के अंदर से जाएगी तो हमें पूरी की पूरी लाइट का पाथ दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।